हमारे साथ मौजूद है संवाददाता मुकेश ठाकुर और शिखर पांडे, बात करेंगे। मुकेश, मुकेश आपको आवाज सुनाई दे रही है? आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? मुकेश मुकेश माहौल कैसा है इस समय? मुकेश हम बात नहीं करेंगे कौन किसे क्या करना चाह रहा है, ये सबके अपने अपने राइट्स हैं, सबके अपने अपने अधिकार क्षेत्र में आता है। हम बात करेंगे क्या नाम है, माहौल कैसा है, शांति व्यवस्था कैसी है अभी समय, कहीं से कोई अप्रिय घटना या कोई छोटी मोटी घटना की कोई खबर आ रही है? जी अरे साहब, शेखर कहाँ पे है इस समय आपकी लोकेशन? विधानसभा के कपूरा में मौजूद हूँ। आपके वहां कैसा मतदान चल रहा है अभी? सुबह जैसा घना कोहरा था, जैसे जैसे सूरज की हल्की हल्की गुनगुनी धूप निकल रही है, उसी हिसाब से मतदान भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। युवा की बात करें, बुजुर्ग की बात करें और हम बात करें महिलाओं की, जी तो महिलाओं का कहना है कि पहले मतदान फिर जलपान। महिलाएं अपनी रसोई और सारे कामकाज को छोड़कर भारी से भारी संख्या में पर मतदान करने के लिए जा रही हैं। महिलाओं का कहना है कि हम काफी सरकार को चुनने जा रहे हैं, अपना मत दे रही हैं, यह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, नहीं, लेकिन वो उन्होंने स्पष्ट करना भी नहीं चाहिए। शेखर मैं आपकी बात रोक रहा हूँ, बस संक्षेप में इतना जानना चाहूंगा, किसी अप्रिय घटना की कोई सूचना? कोई अप्रिय घटना नहीं है। पुलिस कर्मी बहुत भारी तादाद में सभी बूथों पर आपके पास फिर आता हूँ, जुड़े रहिए हमसे, तब तक नरेश जी से हम थोड़ी सी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। नरेश जी, अभी तक वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है, इस समय माहौल ठीक हो रहा है, कुल मौसम भी साफ होता जा रहा है, लेकिन अगर हम बात करें, थोड़ी सी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि प्रत्याशी होना कैसे चाहिए आपके हिसाब से, एक प्रत्याशी में आप क्या तलाशते हैं? देखिए, अगर हम प्रत्याशी की बात करें तो जाहिर सी बात है कि वो सबसे पहला जो है वो जनता के हितों का रक्षक होना चाहिए। उसको ग्राउंड के बारे में जानकारी होना चाहिए कि उस जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है वहां की परिस्थितियां क्या हैं, वहां के मुद्दे क्या हैं और वहां की पॉपुलेशन क्या है और क्या वो चाहती है। तो सबसे पहला ये उसके अंदर होना चाहिए और साथ में उसका व्यवहार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मायने रखता है कि उनका व्यवहार कैसा है। अगर व्यवहार उनका विनम्र है, सही व्यवहार है तो जनता के लिए लाभकारी होगा। अगर इस बीच में अगर कहीं किसी तरह से उनका व्यवहार रूप ली जाता है या फिर उनको ग्राउंड की जानकारी नहीं है, उनको क्षेत्र की जानकारी नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं एक चुनौती का विषय बनता है। चुनौती का विषय तो बनता है, लेकिन सबसे बड़ी बात एक मैं कहने जा रहा हूं कि राजनीति से शुचिता जो है वो खत्म होती नजर आ रही है। कोई भी कैंडिडेट जब उसे टिकट नहीं मिलती है उसकी विचारधारा तुरंत बदल जाती है, विचारधारा बदलने के साथ ही वो दूसरे दल में पहुंचता है, वहां टिकट की मांग ली जाती है। ऐसे जो प्रत्याशी होते हैं, पैराशूट प्रत्याशी जिन्हें बोलते हैं, वो उन्हें आपकी नजरिए आप ये बात करें। देखिए, जो आप पैराशूट प्रत्याशी की बात कर रहे हैं तो ये कुछ सालों में ये चलन बढ़ा है। जी पहले जो भी पॉलिटिकल लीडर हुआ करते थे उनकी पार्टी अपनी एक अलग निष्ठा हुआ करती थी, तो वो जिस आस्था से जिस पहले पार्टी में काम करते थे उसी पार्टी से अंत तक वो जुड़े रहते थे। लेकिन क्या है कि अब पिछले कुछ सालों से अगर हम देख रहे हैं तो ये एक कहा जाता है स्वार्थ की की राजनीति राजनीति निकल बिल्कुल के आ रही है कि वो सिर्फ अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए उस चुनाव में उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, और जब चुनाव का इंतजार
करते हैं कि चुनाव में अगर उनको टिकट मिलता है तब तो उस पार्टी की विचारधारा ठीक है, अगर उसको वोट नहीं मिलता है तो तत्काल उस पार्टी की विचारधारा को वो बदल देते हैं और दूसरी विचारधारा का दामन थाम लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक जनता के बीच में एक असमंजस की स्थिति निकल के आ रही है, क्योंकि पिछले चुनाव में किसी जनता ने अपने क्षेत्र में उस नाकारा आदमी को वोट नहीं दिया, बोले कि ये नाकारा है और हम इसे वोट नहीं देंगे, लेकिन कुछ दिन बाद वो उसी दूसरी पार्टी में निकल के आता है और वो फिर उसको मजबूरन उनको वोट देना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति है और ये लोकतंत्र के लिए घातक है। बिल्कुल, दलों की स्थिति भी ये हो गई है, सभी दल इस समय से ये कह लीजिए कि इस समय वॉशिंग मशीन की तरह हो गए हैं। जब उनके पास वो प्रत्याशी नहीं होता है तो जोर शोर से क्या नाम है हल्ला मचाते हैं कि सामने वाला प्रत्याशी बहुत ही खराब है, इसे वोट मत दीजिए, इसके ऊपर इतने मुकदमे हैं, ये दागी है। लेकिन जैसे ही कोई पार्टी में आता है वो सब दाग उसके सब धुल जाते हैं, वॉशिंग मशीन की तरह बिल्कुल साफ और स्वच्छ होकर निकलता है। देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप, सहमत हूं आपकी बात से कि किसी पार्टी में अगर वो है नेता अगर अपना काम कर रहे हैं तो उन पर तमाम मुकदमे हैं और तमाम बहुत सारे आरोप उन पर लगे हुए हैं, पार्टी उनको चुनौती देती है, उनका विरोध करती है कि ये गलत है, आप इनको वोट मत दीजिए। लेकिन वो आदमी अगर उनकी पार्टी में आ जाता है तो वो एकदम पाक साफ हो जाता है, गंगा की तरह पवित्र हो जाता है और उसको फिर वो लोग उसको अपने नजरिए से प्रस्तुत करते हैं और तब बताते हैं कि ये जो लोग थे ये भी तो सही है, पहले वहां गलत हुआ करते लेकिन अब सही है। तो ये कहीं ना कहीं एक मोनोपोल ये बहुत बड़ा विषय है, इस पे गंभीरता से चिंतन करना चाहिए पार्टियों को और चुनाव आयोग को, खासकर ऐसे दल बदलों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जानी चाहिए कि अगर आप चुनाव से पहले आप पार्टी बदलते हैं तो वो दल बदलुओं पर बिल्कुल रोक लगा देनी चाहिए कि वो किसी भी पार्टी से चुनाव में खड़ाई ना हो सके। अभी हम रुक करते हैं अपने रिपोर्टरों की तरफ। मुकेश संपर्क कट गया है इस समय, खैर मुकेश से हम दोबारा जुड़ेंगे। अब हम बात करते हैं, नरेश जी कितने बजे आपने वोटिंग की? मैंने आज वोटिंग की है करीब सुबह 7:30 के आसपास मैंने वोटिंग की है, और जब मैं वोट करने गया था तो काफी माहौल मुझे अच्छा लगा, पहली बार क्योंकि मैं कई साल से वोट कर रहा हूं, लेकिन इस बार जो माहौल था वो बड़ा ही अनुकूल लगा, इसमें कहीं कोई किसी तरह का अवरोध या वो नहीं आया। जैसे ही हम गए वहां दरवाजे पर घुसे तो टेम्परेचर चेक किया गया, अंदर जब हम गए तो वहां जाके बहुत व्यवस्थित तरह से लाइन लगी हुई थी, वहां अंदर बहुत शांतिपूर्ण तरह से मतदान किया, ये बहुत अच्छा देखने को मिला जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें खबर थी नरेश पारस जी आ रहे हैं और ये तत्काल अभी गुस्सा ना हो जाए, नाराज ना हो जाए तो पहले से ही बंदोबस्त ठीक करके नहीं ऐसे नरेश जी का एक वो रहता है कि नरेश जी जा जाते हैं वहाँ चीजें पहले से ही ठीक होना शुरू हो जाती है, वरना नरेश जी मुकर हो जाते हैं उनके खिलाफ। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो सारी व्यवस्थाएं मुझे चौवन मुझे लगी थी, थोड़ी हम एक उसमें ले गए थे, एक खास के उसमें ले गए थे, लेकिन व्यवस्थाएं पहले से बहुत अच्छी है इस बार, कोविड गाइडलाइंस का भी पालन हो रहा है शांतिपूर्वक। सबसे बड़ी बात है आगरा की 9 विधानसभा उपचुनाव जो वोटिंग चल रही है इस समय, कहीं से कोई अभी तक अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई है, पहले की तरह तो सारी चीजें व्यवस्थित चल रही है। हमारे रिपोर्टरों ने भी बताया इस समय ग्रामीण में भी रिपोर्टर है और या शहरी क्षेत्रों में भी है, मौसम खुलता जा रहा है, चुनाव प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। तो हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। नरेश जी ये जो प्रत्याशी हैं, जो दागी प्रत्याशी है, आप एक मतदाता के रूप में क्या चाहेंगे, किस तरह से इन पर रोक लगनी चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए इसमें दलों को? देखिए, सबसे पहले तो राजनीतिक दलों को स्पष्ट नजरिया रखना चाहिए, जो उनके यहाँ पर टिकट मांगने आ रहा है उसका बाकायदा ये पूरा साक्षात्कार ले। जैसे किसी प्राइवेट नौकरी में कोई अगर नौकरी पाने जाता है कंपनी में तो उसका पूरा बैकग्राउंड देखा जाता है, और सरकारी नौकरियों में भी देखा जाता है कहीं ये दागी तो नहीं है, इस पर मुकदमे तो नहीं है, कहीं इसकी कोई चाल चलन खराब तो नहीं है, तो ये सारी चीजें उसमें रखी जाती हैं। तो राजनीतिक दल भी उनको एक अच्छे तरह से उसका इंटरव्यू लें, उसकी बैकग्राउंड तलाशें, अगर उस पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं तो ऐसे व्यक्ति को अवॉइड करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक गलत संदेश जनता के बीच में जाता है। क्योंकि पहले का जमाना जो था वो अलग था, लेकिन अब सारी चीजें पारदर्शिता है, अब हर एक एक कैंडिडेट की सारी तस्वीर
जनता के सामने रहती है, मोबाइल आदमी रहता है उसमें उसकी डिटेल रहती है। माई नेता ऐप पर अगर खोलकर देखें तो आप आपके क्षेत्र का जो भी प्रत्याशी है, जितने भी कैंडिडेट हैं, आप सारे कैंडिडेट के बारे में आप डिटेल ले सकते हैं। इस पर संपत्ति कितनी है, इसकी एजुकेशन कितनी है, इस पर क्रिमिनल चार्जेज कितने हैं, सारी चीजें एवरीथिंग वहां मौजूद है। तो इसको लेकर राजनीतिक दलों को मंथन करना चाहिए और ऐसे अपराधी छवि वाले लोगों को ये टिकट ना दें। और जो खास करके जो पैरासूट बन के आते हैं चुनाव से एन वक्त दूसरी पार्टी को छोड़ के आते हैं और उसमें फिर टिकट मांगते हैं, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल टिकट न दें। ऐसे लोगों ने कम से कम 5 साल वो काम कराए अपनी पार्टी में, तब उसके बाद में टिकट के बारे में सोचें। अब बात करते हैं आगरा दक्षिण की। आगरा दक्षिण से इस समय वर्तमान विधायक है भाजपा के योगेंद्र उपाध्याय जी। योगेंद्र उपाध्याय इस समय सिटिंग MLA है, उनकी टक्कर है रवि भारद्वाज जो बसपा से खड़े हुए हैं, विनय अग्रवाल सपा प्रत्याशी है और अनु शर्मा कांग्रेस प्रत्याशी है। योगेंद्र उपाध्याय 2 बार से लगातार भाजपा विधायक है। 2017 के चुनाव में योगेंद्र उपाध्याय ने बसपा के जुल्फिकार अहमद भुट्टो को करीब 55,000 मतों से हराया था। यहाँ भाजपा बसपा और सपा के बीच लड़ाई चल रही है। और उसके बाद आते हैं आगरा छावनी में। आगरा छावनी में डॉक्टर GS धर्मेश भाजपा के प्रत्याशी है, वर्तमान में प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री भी है। अब इनके लिए एक प्रतिष्ठा का बात है कि वो सीट को कैसे रिटेन कर पाते हैं, दोबारा से कैसे जीत पाते हैं। उनकी जो टक्कर हो रही है वो कुंवर चंद सपा प्रत्याशी है, सिकंदर वाल्मीकि कांग्रेस के प्रत्याशी है और भारतेंदु अरुण बसपा के प्रत्याशी है जो कि पूर्व जिलाध्यक्ष भी है। 2017 में भाजपा के डॉक्टर GS धर्मेश ने बसपा विधायक गुटियारी लाल दुर्वेश को करीब 46,000 मतों से हराया था। भाजपा को 1,13,000 और बसपा को 67,000 वोट मिले थे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए चुनावी चर्चा में, हम आपको अपडेट देते आ रहे हैं। जो हमारी मां कवरेज है, हर विधानसभा में हमारे रिपोर्टर मौजूद है, लाइव तस्वीरें आपके पास आ रही है, स्टूडियो में चर्चा भी चल रही है। ये हमारे साथ थे नरेश पारस जी और चर्चा को अभी आगे बढ़ाएंगे। थोड़ी देर के बाद पुनः आपसे मुलाकात होगी।